अपना स्थान लेना है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो जिस समय नहीं लेना ज्यादा
आज लुधियाना दी इस पवित्र धरती से तेरे तुहाडे दिलां दी धड़कन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री गुरदेव शर्मा देवी जी माता जी मैं भैन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता और इन्हों इतने पहुंचने का फिर एक बार जी आया हूँ मैं धन्यवाद और नाल रहेंगे श्रीमती संतोष कावड़ा जी जिला भाजपा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी अनिल सरीन जी सुभाष डावर जी नीरज वर्मा जी बेटा जी से भारतीय वरिष्ठ भाजपा नेत्री संतोष कावड़ा जी बोला जी स्वागत साथ में श्री गुरुदेव शर्मा देवी जी और भारतीय जनता पार्टी के समूह कार्यकर्ता सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर श्री पुष्पेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष उन नेताओं को गांधी खानदान के वारिस ने गले लगाए रानी जी और मेरे जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी और स्टेज पे बैठे हुए सारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामने बैठे हुए हलका सेंटर दे मेरे भैनों ते मेरे वीरों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जय श्री राम जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों असि रोज आपस मिलने हैं अज साडी भैन स्मृति राणी जी तुहाडे नाल दिल्ली तो स्पेशल गल्लां साझियां करन आए ने और असीं अज बहुत ध्यान दे नाल उन्हां दीआं गल्लां सुणनियां ने क्योंकि असीं तुहाडे विच ज्यादा नहीं जाना चाहते मैं ते तुहाडे सिर्फ तुसीं आए और अपनी भैन का धन्नवाद करना जिहड़े ओह सेंटर हलके दे विच आ के सानूं आशीर्वाद देण आए ने और मैं अपनी भैन जी नूं कहांगा भैन जी सेंटर हलके दे विच जिहड़ा उत्साह है और ये जी सीट है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जीत के थोड़ी चोली च पाएगी मैं थोड़े ना प्रोमिस करना सेंटर हलके का एक एक कार्यकर्ता एक एक जरा सेंटर हलके का मेरे वीर ने मेरे भैन ने चौबीस घंटे मेरे नाल मेरा साथ दे रहे ने मेरे नाल दिन रात जड़े ने भारतीय जनता पार्टी की कम की जी सेवा कर रहे ने मैं ज्यादा ना कहता हो अपनी भैन मैं अपने सेंटर हलके दे विच किला मल्ला दे विच बहुत सारिया भैन जी दिक्कतां ने वह दिक्कतां इन्हें भी इतने लोगों की रजिस्ट्रिया नहीं है बहुत देर तो बैठे हुए हैं और मैं चाहना सेंटर सरकार साड़ी है भारतीय जनता पार्टी की और सानू इन्हां लोगों नूं साडे ते बहुत सारिया उम्मीदां ने और जड़ियां दिक्कतां ने सेंटर इन्हां मेरिया भैणां ते मेरे वीरां दे मसले हल कीते जाण मैं इन्ना ही कहना होया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जय श्री राम। इस पार्टी पर उस खानदान का कब्जा है जिसने पंजाब में खून की नदियां बहाई 84 का दंगा कोई नहीं भूलेगा 30 साल न्याय के इंतजार में परिवार लोग बैठे रहे चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी लेकिन उनके बेटों ने कभी भारत के टुकड़े होने का नारा नहीं दिया कलाब। राजनीति ने कुछ ऐसा करवट बदला कि कांग्रेस के सिपहसालार देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर समर्थन करने लगे उन लोगों का जिन लोगों ने जय घोष दिया जिन लोगों ने अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए कहा कि भारत के टुकड़े होंगे आज उस धरती पर हूं जो राष्ट्र का गौरव है जिस धरती से कई बेटे फौज में भर्ती हुए ताकि सरहद पर जाकर मां भारती के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान दे सके भाई साहब कह रहे हैं कि अमेठी ना बचा पाए तो पंजाब बचाने की बात करते भाई साहब आप बात करते हैं उस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए
कि एक तरफ विपदा की घड़ी में जनता के काम नहीं आते, दूसरी ओर जब देश इकट्ठा होने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो देश की फौज पर प्रश्न चिन्ह लगाकर देश की फौज से प्रमाण मांगते हैं। जिन्होंने खुद मच्छर तक नहीं मारा, वो फौजी से पूछते हैं बताओ पाकिस्तान में कैसे हमला करके आए। और इसीलिए आज आपसे कहने आई कि हमारा गौरव है कि विपदा की घड़ी में हर गरीब को 19 महीने मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया तो मोदी जी ने दिलवाया, भाजपा ने दिलवाया। विपदा की घड़ी में मुफ्त वैक्सीन की डोज अगर किसी ने दिलवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। विपदा की घड़ी में छोटे छोटे व्यापारी को 2500 करोड़ से ज्यादा लोन अगर सैंक्शन किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। अरे आज तो ये भी कह सकती हूँ कि जो रेड़ी लगाते हैं पंजाब में, ऐसे 40,000 सड़क पर रेडी लगाने वालों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वनिधि योजना के माध्यम से पैसे दिलवाए। जो गरीब है उसको पंजाब के 780 अलग अलग अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 40,00,000 से ज्यादा पंजाबियों को सालाना 5,00,000 रुपए की मेडिकल व्यवस्था अगर किसी ने दिलाई तो वो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। मुझे पुष्पेंद्र जी ने कहा इनकी नीला निलारी है, काम करते हैं मोदी, स्कीम देते हैं मोदी, ये नाम बदलकर चेक बांटते हैं। अरे स्कीम से नाम हटा दोगे, दिल से मोदी को हटा नहीं पाओगे। और इसीलिए आज आपसे निवेदन करने आई कि जिनके नाम में गुरु और देव दोनों सम्मिलित होंगे उनको इस लोकतंत्र में प्रजा ही भगवान है, वो अपना आशीर्वाद दे, कमल का पुष्प देकर विधानसभा में पहुंचाएं, पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच आए थे। अब गुरुदेव जी की अपेक्षा है, गुरु हैं देव भी, कि भेंडियां गुजराती समाज भी है, पंजाबियों की धियां गुजरातियों की हो। और इसीलिए चूंकि मैके वालों का आदेश है तो गुजराती परिवार की बहनें कहां बैठी हैं? बद्दा गुजराती में बात करी सके जाए, इतने बद्दा नहीं सर्टिफिकेट बाकी है, इतने काम कराऊ है तो एना माटे शू करूं पड़से, वोट कौने आप सो, कौने आप सो? मैं पूछ रही हूँ इनसे, वोट किसको दोगे? तो क्या बोल रहे हैं, वोट किसको, वोट किसको, वोट किसको? तो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व जनता जनार्दन के सामने एक निवेदन लेकर उपस्थित हुए हैं कि आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, विकास को परिभाषित करने के लिए, पंजाब को सशक्त करने के लिए, भारत के नव निर्माण के लिए पोलिंग बूथ पर आकर कमल का बटन दबाएं और गुरुदेव जी को जिताएं।
जिनके नाम में गुरु और देव दोनों सम्मिलित हो, उनके सामने शब्द कम पड़ जाते हैं। और जिस प्रकार से इस मीठी धूप में आप सब इस भरी दोपहर यहां पधारे हैं, आपका ये आना इस बात का संदेश है कि आप मात्र प्रत्याशी को नहीं, मात्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह जताने आए हैं। इस मंच पर आज मुख्यतः ऐसे लोग उपस्थित हैं जो साधारण परिवारों में जन्मे, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा और ये संकल्प लिया कि राष्ट्र निर्माण कुछ इस प्रकार से करेंगे हम, ताकि जिस संगठन का हम हिस्सा हैं उसके चलते समाज की चुनौतियों को समाधान में बदलेंगे। इसीलिए जब राष्ट्र के सामने हमने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया साल 2013 में, तब देश लालायित हुआ, जन सामान्य ने संकल्प लिया कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि गरीब मां का बेटा जो पक्र से अपने आप को चाय वाला कहता वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सामने जिनके साथ इस रणभूमि में लड़ाई थी वो तो खानदान में जन्म लेते ही नेता घोषित हो जाते, उनके महल इतने बड़े, उनके घर इतने रोशन कि गरीब की झोपड़ी में अंधेरा उन्हें नजर नहीं आता। और आज भारतीय जनता पार्टी का देश का गौरव है कि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि लोकतंत्र के सामने सामर्थ्य इंसान का, पुरुषार्थ इंसान का, देश के प्रति लगन इंसान की वो काम आती है। इसलिए आज वो खानदान सत्ता की कुर्सी पर केंद्र की सरकार में नजर नहीं आते। और ये संघर्ष अपने आप में अनूठा था। इस एक परिवार ने 50 वर्ष से ज्यादा इस देश पर राज किया और जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक घोषित किया।